हेलो दोस्तों, गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आप लोग इसको भली भांति से जानते हो साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या है? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो बताओ साथियों इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ENIAC। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है 1946। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो बताओ। तो इसका सही उत्तर है 1960। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है संगणक। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? कौन नहीं है? तो वोल्फ्राम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो माउस भी एक इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है, अर्थात इनमें से सभी आंसर क्या है? इनपुट इकाई है। ठीक है, अगला है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 KB के बराबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? अर्थात 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, जो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रयुक्त भाषा लोगो होती है जो कि बच्चों के लिए यूज होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक ब्याह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर है साथियों, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो ये होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी है वह है CD-ROM। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो आप लोगों को सभी को पता है, एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होता है, और एक क्या होता है? अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक लॉजिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न,
सीपीयू के एलयू में होते हैं। सीपीयू के एलयू में होते हैं तो एलयू में क्या होते हैं? एलयू का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, तो एलयू में इसमें होता है रजिस्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एलयू। ठीक है, अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कौन परिवर्तित करता है? प्रोसेसर, जिसको सीपीयू कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, प्रोसेसर अर्थात सीपीयू होता है, तो इसका मुख्य तीन भाग कौन कौन से है? एलयू और कंट्रोल यूनिट और कौन? रजिस्टर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सीपीयू और आउटपुट इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित अर्थात कंट्रोल कौन करता है? तो यह है कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो ये क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य नहीं है तो बताओ, तो इसका बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है, तो कौन संपन्न करता है? अर्थमेटिक। कौन करता है? अर्थमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है साथियों? तो ये सही उत्तर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दो साथियों, जिसका सही उत्तर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। धन्यवाद साथियों।